बच्चों, आज हम द्रव्यमान और भार पर बात कर लेते हैं, मास एंड वेट पर, क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर, द्रव्यमान और भार को लेकर। बच्चों, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान या मास ये बताता है कि उस वस्तु में पदार्थ की कितनी मात्रा है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है, वो चाहे वो वस्तु पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे मंगल पर हो। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है। वस्तु कहीं भी हो, पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, या मंगल पर हो, या बाह्य अंतरिक्ष में हो, जहां भारहीनता की स्थिति होती है, वहां भी। क्योंकि बच्चों, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। अब जड़त्व क्या है? जड़त्व मतलब यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी। अब आप उसकी अगर अवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि वो बल जो होगा, वो बल उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। अब उस बल की आवश्यकता तो तब भी होती है जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में होते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को गति देने या रोकने के लिए बल लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि वहां द्रव्यमान है, उनके द्रव्यमान का अस्तित्व वहां है, जबकि भारहीनता की स्थिति है। और बच्चों, जो द्रव्यमान है उसका मात्रक होता है किलोग्राम। तो हमने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो बदलता नहीं है, वो किसी भी प्लेस पर नहीं बदलेगा, वो चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे अंतरिक्ष में। अब भार पर आ जाते हैं, वेट। बच्चों, भार जो है वो थोड़ी सी अलग अवधारणा है। उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए, सपोज पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर अगर मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, तो पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी। आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है। तो जब पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो उन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल काम करेगा, और वो आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, अब इसी तरह से हम, चलिए आपसे एक प्रश्न कर लेते हैं कि द्रव्यमान किसका ज्यादा है, पृथ्वी का ज्यादा है कि चंद्रमा का ज्यादा है? करेक्ट, पृथ्वी का ज्यादा है। अब मान लीजिए वही वस्तु चंद्रमा पर रखी है। अब चंद्रमा क्या करेगा? उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो वो चंद्रमा भी उस पर आकर्षण बल लगाएगा। लेकिन अभी आपने कहा है कि जो द्रव्यमान है वो किसका ज्यादा है? पृथ्वी का ज्यादा है। तो बच्चों, ये जो आकर्षण बल होता है, ये उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों पिंडों के। तो एक बार पिंड हुए हैं पृथ्वी और वो वस्तु, और दूसरी बार पिंड हुआ है चंद्रमा और वस्तु। तो पृथ्वी और वस्तु का जो द्रव्यमान है उनका गुणा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है। और चंद्रमा और वस्तु के द्रव्यमान का गुणा कम होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम है। तो फिर अब आकर्षण बल किसमें ज्यादा हुआ? पृथ्वी और उस वस्तु के बीच ज्यादा हुआ, तुलनात्मक रूप से किससे? चंद्रमा और वस्तु के। तो बच्चों, ये जो आकर्षण बल है, यही उस वस्तु का भार डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी वस्तु का जो भार होगा, वो सपोज आप पृथ्वी पर बात करते हैं, तो पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का जो भार होगा, वो वह बल होगा जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार वह बल होगा जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अब बच्चों, हम इस बात को समझ गए कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कम है, तो फिर चंद्रमा उस वस्तु पर कम आकर्षण बल लगाएगा, इसलिए चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कम होगा। ठीक है ना, हमने भी ये बात समझी है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में क्या है? कम है। तो चंद्रमा उस वस्तु पर कम आकर्षण बल लगाएगा, इसलिए चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कम होगा। किसी अन्य ग्रह पर यह और बदल जाएगा, क्योंकि उस ग्रह का द्रव्यमान कुछ अलग होगा।
वस्तु तो हम उसी द्रव्यमान की ले रहे हैं, लेकिन जो वो जिस ग्रह या उपग्रह के अधीन है या जिस जगह वो है वहां से जो उस पर आकर्षण बल लग रहा है वो आकर्षण बल अलग अलग हो रहा है, क्योंकि उस ग्रह या उपग्रह का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है। तो इसलिए हम ये समझे भार को कि कोई वस्तु गुरुत्व के कारण अपने ऊपर जितना बल अनुभव करती है वही उसका भार होता है। किसके गुरुत्व के कारण? कभी पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, कभी चंद्रमा के गुरुत्व के कारण, कभी मंगल के गुरुत्व के कारण। और चूंकि इन सबके द्रव्यमान अलग अलग हैं इसलिए उस वस्तु का भार भी अलग अलग होगा अलग अलग जगह। तो अब बच्चों हम ये बिल्कुल स्पष्ट समझ गए कि जो द्रव्यमान है वो किसी भी वस्तु का उतना ही रहेगा, वो चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे मंगल पर हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, परंतु इन्हीं स्थानों के ऊपर हम बात करें तो भार अलग अलग होगा, क्योंकि इन पर क्या होगा, वो आकर्षण बल जो है वो अलग अलग होगा। अब बच्चों चलिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन की दृष्टि से देख लें कि मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg, ठीक है, ये मास हो गया इसका 10 kg, तो पृथ्वी पर उसका भार निकाल लेते हैं। अब हमने कब कह रहे हैं कि भार तो बल है, तो बल हो गया F=ma, ए के प्लेस पर आप जी लिख दीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, तो W=mg हो गया mg। अब बच्चों m जो है हमारा 10 की ग्रह है और g 9.8 है ना, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान 9.8 m/s² होता है, तो ये हो गया 98 newton। अब जो चंद्रमा पर भार है उसे हम देखने का प्रयास करते हैं, तो पृथ्वी पर भार आया है 98 newton। अब यहां देखिए जी का डिफरेंस है, एम तो वही रहेगा जो पृथ्वी पर है वही चंद्रमा पर रहेगा द्रव्यमान, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण है जी वो चंद्रमा पर क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, कम है, तो आकर्षण बल भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, तो वो फिर चंद्रमा पर भार भी क्या हो जाएगा, 1/6 होगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है ना, तो फिर ऐसे में 1/6 × पृथ्वी का भार होगा, तो 1/6 × 98, तो ये हो जाएगा 16.33 newton। तो आप देख लीजिए 98 newton का 1/6 है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये हम समझ गए कि दोनों जगह हमारा द्रव्यमान तो 10 kg ही था, परंतु जो वस्तु का भार है वो पृथ्वी पर 98 न्यूटन आया है और चंद्रमा पर 16.33 newton आया है। और ये न्यूटन क्या है, ये बल का मात्रक है और यही हमारे भार का भी मात्रक होगा, क्योंकि भार को ही हम यहाँ बल कह रहे हैं। चलिए अब पृथ्वी पर देख लीजिए, एक सिंपली हम देखें तो पृथ्वी पर 72 kg भार है, तो हम इसको 1/6 करते हैं, तो चंद्रमा पर यह भार हो जाएगा 12 kg भार। तो बच्चों ये इस तरह से ये 1/6 हुआ पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर भार। अब बच्चों फिर बात तो ये हो रही है कि फिर कन्फ्यूज़न किस बात का है, चलिए मैं कन्फ्यूज़न का कारण बता देता हूँ। एक्चुअली जो कन्फ्यूज़न की वजह है वो ये यहाँ है W=mg पर, इसको देखिए आप W=mg को, तो यहां से आपको कंफ्यूजन की वजह समझ में आ जाएगी कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर, जैसे मान लीजिए आप यहां पृथ्वी पर हैं, हालांकि हम कहते हैं पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कुछ थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो जाता है, परंतु पूरी पृथ्वी पर हम एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.8 मानते हैं, लगभग 9.8 के आसपास ही होता है, इसलिए 9.8 लेते हैं। तो अब पृथ्वी के ऊपर हमने ये कहा कि ये पर्टिकुलर प्लेस हमारा पृथ्वी हो गया, अर्थ, जिस पर जी का मान 9.8 है ना, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर तो जी फिक्स हो गया, ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ, W इज प्रोपोर्शनल टू m हो गया, भाई W=mg है तो W किसके समानुपाती हो गया, m के समानुपाती हो गया, W क्या है, भार, m क्या है, द्रव्यमान, तो भार द्रव्यमान के समानुपाती है, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर हम वस्तु के जो भार है उसको द्रव्यमान की माप के रूप में लिख सकते हैं। तो भार को द्रव्यमान की माप के रूप में लिखा जा सकता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर,
और यही कारण है कि आप उन शब्दों में कंफ्यूज होते हैं, कहीं द्रव्यमान लिखा होता है कहीं भार लिखा होता है। क्योंकि अगर आप पृथ्वी के संदर्भ में ले रहे हैं सपोज, तो आप पृथ्वी के संदर्भ में वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये आपको कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। धन्यवाद।